प्लस टू सेकेंड ईयर भारत इतिहास समस्त छात्र छात्री को मो भाषा और मो साहित्य चैनल को स्वागत। आम भारत इतिहास द्वितीय अध्याय हरप्पा सभ्यता उपर आलोचना करुचे। आम हरप्पा सभ्यतार समय काल आलोचना कर सारे और तार गठन प्रणाली और नगर परिकल्पना आलोचना कर सारे। आज आम कौन आलोचना करवा ना मोहेंजोदार और हरप्पा सभ्यतार जो सर्वसाधारण गृह गुड़िक रही तार अनुष्ठान रही विषय आम आलोचना करवा। देखा कौन लिखाई मोहेंजोदार दुर्ग स्थान में सर्वसाधारण उद्दिष्ट एक बृहत स्नानागार आविष्कार करें पढ़ी दशम जे मोहेंजोदार दुर्ग स्थान में सर्वसाधारण उद्दिष्ट गोटे बृहत स्नानागार आविष्कार कर एही स्नानागारटी 180 फुट लंबा बा 55 मीटर एवं 108 फुट बा 33 मीटर प्रस्थ विशिष्ट एक विशाल गृह मध्यरे अवस्थित। ए जो विशाल गृहर आयतन केते 180 फुट लंबा बा 55 मीटर लंबा एवं 108 फुट प्रस्थ बा 33 मीटर प्रस्थर गोटे विशाल गृह मध्यरे एही स्नानागारटी आविष्कार करा जायतिला। ये जो स्नानागारटी जो विशाल गृह मध्य अवस्थित रही विशाल गृहर लंबा हूँ 180 फुट एवं तार प्रस्थ हूँ 108 फुट। प्रवेश करने ए प्रवेश द्वार अच्छी मन रखि था जो स्नानागारटी जो गृह अवस्थित तार लंबा केते तार प्रस्थ केते 108 फुट लंबा से गृहर एवं प्रस्थ हूँ 108 फुट एवं एथिरे प्रवेश करने 6 प्रवेश द्वार अच्छी जो गृह मध्य को प्रवेश करने 6 प्रवेश द्वार रही अच्छी। स्नानागारटी आयतकार आकृतिर एवं ये जो स्नानागारटी आविष्कार कर बृहत बा विशाल गृह मध्य यही स्नानागारटी हूँ कौन आयताकार आकृतिर यार लंबा हूँ 12 मीटर एवं प्रस्थ हूँ 7 मीटर। ये जो स्नानागारटी लंबा हूँ के 12 मीटर बा 33 फुट प्रस्थ हूँ 7 मीटर बा 23 फुट। से जो गृह मध्य स्नानागारटी आविष्कार कर गृहटी हूँ कौन 180 फुट लंबा बा 55 मीटर 108 फुट प्रस्थ बा 33 मीटर किंतु स्नानागारटी लंबा हूँ 12 मीटर बा 33 फुट प्रस्थ हूँ 7 मीटर बा 23 फुट। स्नानागार भितर को प्रवेश करने परस्पर विपरीत दिग्वर दुईट पावच श्रेणी अच्छी और ये स्नानागार भितर को प्रवेश करने परस्पर विपरीत दिग्वर दुईट पावच श्रेणी अच्छे कौन सीढ़ीर व्यवस्था रही अच्छी। यार चतुर्पार्श्वे इटार निर्मित दर्शक मंच अच्छी यार चतुर्पार्श्वे इटार निर्मित हो दर्शक मंच रही अच्छी। स्नानागार उत्तर और पूर्व दिगरे केते गुड़िया कोठरी रही अच्छी। स्नानागार उत्तर आ पूर्व दिगरे केते गुड़िया कोठरी रही अच्छी। पूर्व दिगरे थिबा गोटे कोठरी एक विशाल कूह अच्छी। ये जो स्नानागार उत्तर एवं पूर्व दिगर जो केत कोठरी रही अच्छी से जो पूर्व दिगर थिबा गोटे कोठरी मध्ये गोटे विशाल कूह रही अच्छी। से कूटा कौटे अच्छी पूर्व दिगर थिबा गोटे कोठरी भितर यही कूर स्नानागार मध्य को जल जोगाण करा थाए जो यही कूर ही जो स्नानागार मध्य को जल जोगाण करा थाए। स्नानागार जल को नियमित भाव में परिवर्तन करिवार व्यवस्था थिला एवं ये जो स्नानागार जल को नियंत्रित करने निष्कासन करने परिवर्तन करिवार मध्य व्यवस्था थिला। स्नानागार दक्षिण पार्श्वे जल निष्कासन पर एक निर्गम पथ रही अच्छे। स्नानागार दक्षिण पार्श्वे जल निष्कासन करने गोटे निर्गम पथ रही अच्छी। यही स्नानागार को अति उच्च श्रेणीर धनी और प्रभावशाली व्यक्तिशेष व्यवहार कर गवेषक मैंने मत दिंती जो आम मोहेंजोदार दुर्ग स्थान में जो सर्वसाधारण गोटे उद्दिष्ट स्नानागार आविष्कार कर स्नानागार को अति उच्च श्रेणीर धनी और प्रभाव प्रभावशाली व्यक्तिशेष व्यवहार करुथिबार गवेषक माने मत देई थांती। स्नानागार पश्चिम इटार निर्मित एक विशाल मंच रही अच्छी। स्नानागार पश्चिम मन रखि था स्नानागार पश्चिम इटार निर्मित एक विशाल मंच रही अच्छी। मंचर आयतन हूँ 1350 वर्ग मीटर अटे। ये जो स्नानागार पश्चिम इटार या गोटे विशाल जो मंच रही अच्छी मंचर आयतन हूँ के 1350 वर्ग मीटर यार तीन पार्श्वे 9 लेखाएं तीनोटी धाड़ी समुदाय 27 कोठरी रही यार तीन पार्श्वे कहार यो मंचर तीन पार्श्वे 9 लेखाएं तीनोटी धाड़ी समुदाय 27 कोठरी रही अच्छी। यह एक शस्यागार अटे एवं यह गोटे कौन ये मंचड़ा गोटे एक शस्यागार यही शस्यागार हरप्पाठारे देखा मिलता है। मोहेंजोदारो जपरि शस्यागार देखा मिलता है से हीपरी हरप्पाठारे शस्यागार देखा मिलता है।
ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ମହେଞ୍ଜୋଦାରର ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ରହିଅଛି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଧାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ 20ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ଧାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ 20ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଗୃହର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 750 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଗୃହ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏହି ଗୃହର ଆୟତନ କେତେ? 750 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଗୃହର ଛାତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୃହର ଛାତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଗୃହ ରହିଅଛି, ଏହାର ଆୟତନ କେତେ? 750 ବର୍ଗ ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୃହର ଛାତ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ସୂଚନା ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ନା, ବୋଧହୁଏ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଭା ସମିତି ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ଗୃହଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ନିମ୍ନ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗୃହ ଅବଶେଷ ମିଳିଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ପଢ଼ିଲେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରର, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନିମ୍ନ ସହର କଥା। ନିମ୍ନ ସହରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଅବଶେଷ ମିଳିଛି, ଏହାର ଆୟତନ ହେଉଛି 300 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଗୃହର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି ବା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଆୟତନ କେତେ? 300 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ। ଅଗଣାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 20ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହତ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଛି ବା ବିଶାଳ ଗୃହ ଗୋଟେ ମିଳିଛି 300 ବର୍ଗ ମିଟରର, ଏହାର ଅଗଣାରେ କ'ଣ? ଏହାର ଅଗଣାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 20ଟି କୋଠରୀ ରହିଅଛି। ବୋଧହୁଏ ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବାସଗୃହ ଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଜଣେ ଧନୀ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଟା ବାସଗୃହ ଥିଲା। କ'ଣ ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ନା, ବୋଧହୁଏ ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ଧନୀ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବାସଗୃହ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶ୍ୱେତମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ନିମିତ୍ତ ପାତ୍ର ମିଳିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶାଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶ୍ୱେତମର୍ମର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରସ୍ତର ନିମିତ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୋର୍ସେଲିନ୍ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି, ହାତୀଦାନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି ଏବଂ 15 ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ମହଲାରୁ ବା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଶ୍ୱେତମର୍ମର ପ୍ରସ୍ତର ନିମିତ୍ତ ପାତ୍ର ମିଳିଛି, ପୋର୍ସେଲିନ୍ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି, ହାତୀଦାନ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳିଛି, 15 ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୂଳବିହୀନ ବୃଷଭର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ଏହି ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୂଳବିହୀନ ବୃଷଭର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିକି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୃହଟି ଏକ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଏହି ଗୃହଟି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ମହେଞ୍ଜୋଦାରର ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଆମର ନିମ୍ନ ସହର ଅଞ୍ଚଳ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହରପ୍ପାର। ହରପ୍ପାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସହ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ହରପ୍ପାର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ହରପ୍ପାର ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନର ଚାରିପଟେ 10.7 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହରପ୍ପାର ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଅଛି? 10.7 ମିଟର 10.7 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି। ଏହା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀରଟା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ। ସବୁଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିତ। ଦୁର୍ଗର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 2 ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ହରପ୍ପାର ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନର ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଏହି ଦୁର୍ଗର ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 2 ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି? 2 ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କି ଦୁର୍ଗର ଦୁଇପଟେ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ୱାର ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସଗୃହ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କୁଲି ଲାଇନ୍ସ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁଲି ଲାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ।
हरपार निम्न सहर अंचल चारिपटे 6 मीटर 7 मीटर उच्चर कादुआटार निर्मित पाचेरी रही। हरपार निम्न सहर ये गला कौन दुर्ग अंचल गला हरपार एवं देखा आमर कौन ना निम्न सहर। हरपार निम्न सहर अंचल चारिपटे 6 मीटर 7 मीटर उच्चर कादुआटार निर्मित पाचेरी रही। पार्श्वर्ती अंचल कारीगर शाल मान सूचना मिलता है। यह सहर पार्श्वर्ती अंचल कारीगर शाल मान सूचना मिलता है। यही निर्दिष्ट स्थान मानक अधा या वस्तु और कारीगरी बर्ज्य वस्तु मान मिल जाए। यही जो निर्दिष्ट स्थान मानक अधा या कारीगरी वस्तु और कारीगरी बर्ज्य वस्तुर अनुसंधान मिली। अन्य हरप्पा सहर मध्य कच्छद्वीपर अवस्थित धोलाबीरा नगर एक विशाल नगरी अटे। यो हरप्पा सहर मध्य कच्छद्वीपर अवस्थित मन रखी था हरप्पा सहर मध्य कच्छद्वीपर अवस्थित धोलाबीरा नगर एक विशाल नगर अटे। यार दुर्ग अंचल अत्यंत आकर्षण अटे। कौड़ यो धोलाबीरा नगर जो विशाल नगर अच्छी धोलाबीरा बोली यार दुर्ग अंचल कौन अत्यंत आकर्षण अटे। यार आयतन हूँ 60 हेक्टर। यार आयतन हूँ 60 हेक्टर। यार गृहगुड़िक कंचाईट यार गृहगुड़िक कंचाईट पोड़ाईटा बदल में मार्जन प्रस्तर व्यवहार करोड़ाईटा बदल में मार्जन प्रस्तर व्यवहार कर धोलाबीरार जल जोगाण विशेष ध्यान दि जाइए। धोलाबीरार विशेषत्व हूँ कौन यार दुर्ग स्थान में गोटे पुष्करणी रही। मन रखित धोलाबीरार विशेषत्व हूँ कौन ना यार दुर्ग स्थान में गोटे पुष्करणी अच्छी। पुष्करणी में पत्थर गुड़िक चूर्ण द्वारा जोड़ा जाए। यह पुष्करणी में पत्थर गुड़ी को कहा द्वारा जोड़ा जाए चूर्ण द्वारा जोड़ा जाए। पुष्करणी जल वर्षा पानी उपर निर्भर करुला। यह पुष्करणी जलटा वर्षा पानी उपर ही निर्भर करुला। सिंधु सभ्यतार सर्वप्रथम अभिलेख धोलाबीरार मिली जहाँ को दुर्गर प्रवेश द्वार लग जा कौन है ना सिंधु सभ्यतार सर्वबृहतम अभिलेख धोलाबीरार ही मिली जहाँ को दुर्गर प्रवेश द्वार लग जा। व्यतीत सिंधु सभ्यतार अवशेष उत्तर राजस्थान कालीबंगान सहर मिली। मन रखित सिंधु सभ्यतार अवशेष उत्तर राजस्थान कालीबंगान सहर में मिली। महेन्द्रदार निकटवर्ती चानुदारा सहर एक क्षुद्र सहर एवं ये जो महेन्द्रदार निकटवर्ती चानुदारा हूँ गोटे क्षुद्र सहर। यही सहर एक कंठीमाल कारखाना मिली। यही सहर गोटे कंठीमाल कारखाना मिली। कंठीमाल गुड़िक खड़ीमाटी तैयारी जो कंठीमाल गुड़िक खड़ीमाटी तैयारी। गुजरात कांबे निकट अवस्थित लोथाल सहर को एक पोताश्रय मिली। कौन है गुजरात कांबे निकट में अवस्थित लोथाल सहर एक पोताश्रय मिली। मन रखित प्रश्न आसो जो कौट पोताश्रय मिली ना गुजरात कांबे निकट में अवस्थित लोथाल सहर गोटे पोताश्रय मिली। यही पोताश्रयर दैर्घ्य हूँ 212 बा 215 मीटर। ये जो पोताश्रयर दैर्घ्य के 212 बा 215 मीटर और ओसार हूँ 35 रु 37 मीटर। पोताश्रयर दैर्घ्य हूँ 212 रु 215 मीटर और ओसार हूँ 35 रु 27 मीटर। यार पार्श्वगुड़िक पोड़ाईटार निर्मित होार पार्श्वगुड़िक पोड़ाईटार तैयारी। यार पोताश्रय संपर्क में भिन्न मत मिलता है। केतेक गवेषक मत को यह समुद्र पा प्रवेश करुला। केतेक गवेषक कौन मत दिखती ना यह मध्य समुद्र पा प्रवेश करुला। प्रत्नतत्वविद एस आर राव मत छोट छोट नौका प्रवेश करुला। किए मत दे छोट छोट नौका प्रवेश करुला बोली प्रत्नतत्वविद एस आर राव से मत देते कौन यू छोट छोट नौका प्रवेश करुला। कारण कौन यार प्रवेश पथ अगभीर अटे। लोथाल अवशेष प्राय 65 टेराकोटा सिल बा मोहर मिली। लोथाल अवशेष मिली प्राय 65 टेराकोटा सिल बा मोहर मिली। पुष्करणी निकट रू यार पणियागार मिली। यह सेठार एक पोताश्रय थिबा सूचना मिलता है। सामुका शिल्प कंठीमाल शिल्प एठार थिबार प्रमाण अवशेष मिलता है। आज पाई आलोचना थो परवर्त आलोचना आम देखा महेन्द्रदार और हरप्पा सभ्यतार कृषि कौन थी कृषि किपर थी आम आलोचना करवा। आज आलोचना किपर लगला मत कमेंट मध्यम जन रोचे धन्यवाद।